सो हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। गाइस आज आ चुका है हमारे पास में आईफोन का 11, जो कि आज के डेट में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस फोन को परचेज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आईफोन होने की वजह से। ये फोन आज के डेट में आपको नया देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोगों को सेकेंड हैंड परचेज करना है तो काफी सस्ते प्राइस में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, 15,000 से 20,000 रुपए के प्राइस रेंज में। और जिनका भी बजट नहीं होता है और नया नया आईफोन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। बट इसमें हमें 5G देखने को नहीं मिलता, तो काफी सारे लोग अवॉइड भी करते हैं। बट जिनको कि 4G और 5G से कोई भी लेना देना नहीं होता उतना, वो लोग इसी फोन की तरफ जाते हैं। बट उनका सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि उनको इस फोन से किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, क्या उनको एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, हीटिंग वगैरह की इशू होती है या फिर नहीं होती है, ये सारा कुछ उनके मन में डाउट रहता है काफी ज्यादा। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं आईफोन 11 से 2024 में आपको बैटरी बैकअप किस तरह की देखने को मिलेगी और क्या आपको एक अच्छे बैटरी बैकअप के लिए आईफोन 11 को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, मैं यहां पर आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैं आपको 2-3 स्टेप्स में आपको समझाना चाहूंगा कि आपको किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी आईफोन 11 से। उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इस फोन में हमें बैटरी एमएच कितनी देखने को मिलती है। तो आईफोन 11 में हमें 3110 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है और मेरे फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 80% देखने को मिलती है। अब देखो, सबसे मेन टॉपिक यही पे आता है कि 80% बैटरी हेल्थ हमें देखने को मिलता है तो बैटरी बैकअप किस तरह के देखने को मिलेगा। मार्केट में आपको काफी सारे आईफोन 11 ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको 90% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल सकती है या फिर 95% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल सकती है। तो आपको इतना जान लेना है कि सेकेंड हैंड आईफोन 11 लेने से पहले आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि उस फोन का जो बैटरी है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है, और ओरिजिनल अगर है तो उस फोन की ओरिजिनल बैटरी हेल्थ कितनी है, क्योंकि काफी सारे जगहों पर ऐसा होता है कि बैटरी को जो है वो बूस्ट करके ज्यादा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इस चीज से आपको बचना है और ओरिजिनल बैटरी हेल्थ देखते हुए ही लेना है। अब मान लेते हैं आप लोग एक ऐसा आईफोन 11 लेने जा रहे हो जिसमें कि आपको 80% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल रही है, लाइक 77, 78, 80, 81, 82 इस तरह की देखने को मिलती है। तो अब आपको किस तरह की देखने को मिलेगी ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि टोटल 3 कैटेगरी के यूजर्स होते हैं। पहले कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि अपने फोन को काफी ज्यादा सिंपल, काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, लाइक दिन भर में थोड़ा बहुत कॉल्स वगैरह पे बात कर लेना, दिन भर में थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पर टेक्स्टिंग वगैरह कर लेना, ज्यादा से ज्यादा मन किया तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे या फिर फेसबुक में वीडियोस वगैरह देख लेना, बस इतना ही। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि अपने फोन में गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते हैं या फिर करते भी है तो थोड़ा बहुत कभी कभार टाइम पास के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा एक काफी ज्यादा रफ यूजर होते हैं, दिन भर अपने फोन में घुसे हुए रहना है, दिन भर सोशल मीडिया वगैरह यूज करते रहना है, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देखना है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देखना है, फोटो वीडियोज क्लिक करना है, ये सारा काम करना है। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि इस फोन को लेने का सोच रहे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस से, BGMI हो गया, COD हो गया, ये सारा। तो आई गेस यहां पर आपको आपका कैटेगरी तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी के यूजर हो, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो अब अगर आप लोग समझ ही गए हो कि आप लोग कौन से कैटेगरी के यूजर हो, तो अब सुन लो कि आपको किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। अगर आप लोग एक फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो, मतलब कि अपने फोन को काफी ज्यादा सिंपल तरीके से यूज करते हो, उस केस में आपको इस फोन से एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फोन की जो बैटरी है वो सुबह 9 बजे 100% चार्ज है, उसके बाद में यूज करना स्टार्ट करते हो, तो शाम के 6-7 बजे के आसपास में इस फोन की जो बैटरी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब 10-15% के आसपास में आ जाएगी। उस टाइम पे आपको इस फोन को दोबारा चार्ज में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका बाकी का जो रात है वो चले। बट पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। हो सकता है किसी दिन आप लोग काफी ज्यादा बिजी हो और आपको आपका फोन यूज करने का ज्यादा टाइम ना मिला हो, उस केस में आपको एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल सकता है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले यूजर्स की, मतलब कि अगर आप लोग काफी ज्यादा रफ यूजर हो, अपने फोन को दिन भर यूज करते रहते हो, दिन भर कुछ ना कुछ अपने फोन में यूज करते रहना है, लाइक सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देखना है, मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा करना है, व्हाट्सएप पर टेक्स्टिंग वगैरह करना है, कॉलिंग करना है, आउटडोर में फोटो वीडियोस क्लिक करना है, ये सारा कुछ आपको करना है, उस केस में इस फोन को आपको एटलीस्ट दिन में 2-3 बार तो कम से कम चार्ज में लगाना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिन भर में 4 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ जाए, बट 2-3 बार तो कंपलसरी है कि आपको चार्ज करना ही पड़ेगा इस फोन को। और अब अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी वाले यूजर्स की, मतलब कि अगर आप लोग इस फोन को लेना चाहते हो सिर्फ सिर्फ गेमिंग पर्पज से, BGMI हो गया, COD हो गया, ये सारा खेलने के लिए, उस केस में बता दूं अगर आप लोग BGMI आधे घंटे की गेम प्ले करते हो, उस केस में आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा 10-12% के आसपास में आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा।
और अगर आप लोग कंटिन्यू 1 घंटे तक की गेम प्ले करते हो उस केस में आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा 24 से 25% के आसपास में आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी आईफोन 11 से और आप लोग अपनी कितनी गेम प्लेज वगैरह निकाल सकते हो। तो कुछ तरह की आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी आईफोन 11 से चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी के यूजर्स हो। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी के यूजर हो और आपको किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। रही बात हीटिंग की, तो देखो इस फोन में मुझे हीटिंग की इशू मेजर देखने को तो नहीं मिली। नॉर्मली वार्म जरूर रहती जो कि कोई भी स्मार्टफोन होता ही है, बट हाँ किसी किसी टास्क में ये फोन कभी कभी हीट हो जाता है। बहुत ज्यादा मेजर हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिलती है, बट हाँ थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो आई गेस आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आपके अगर थॉट्स है आईफोन 11 के बारे में, क्या आप लोग आज के 2024 में इस फोन को परचेस करना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे, जो भी हो कॉमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना। और अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि क्या आपको एक अच्छे बैटरी बैकअप के लिए आईफोन 11 को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो देखो अगर आप लोग एक काफी ज्यादा रफ यूजर हो या फिर आप लोग गेमिंग पर्पस से इस फोन को लेना चाहते हो, तो मैं वहां पर बोलूंगा कि आपको काफी ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप लोग इस फोन को अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। बट अगर आप लोग काफी ज्यादा नॉर्मल यूजर हो, आप लोग फोन को काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से यूज करते हो, उस केस में आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस फोन से ठीक ठाक बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो उस केस में आप लोग इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। हाँ, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा या फिर पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, उसे दबा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।